कानपुर में सेन पश्चिम पारा के कसीगवा गांव में बीते मंगलवार देर रात मौसेरे भाई अनिल उर्फ सुनील 22 वर्ष और राज उर्फ छोटू 20 वर्ष की जलकर मौत हो गई थी। घटना के बाद मृतक राज के पिता प्रेम कुमार ने जमीनी रंजिश में चचेरे भाई विनोद और पड़ोसी कल्याण सिंह के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। दोनों जलकर मरे या जलाकर मारे गए, इस गुत्थी में पुलिस भी उलझ गई थी। जमीनी रंजिश का मामला सामने आया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी थी। दोनों ने जमीनी विवाद की रंजिश में घटना को अंजाम देने की बात कबूल की है। देखिए ये रिपोर्ट। दिनांक 19/20 को थाना सेन पश्चिम पारा से एक यूपी 112 के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली थी। एक गांव है कसीगामा, जहां पर एक घर में आग लगी है और आग लगने से दो व्यक्ति वहां पे जल गए हैं। इस सूचना पर यूपी 112 की फोर्स चौकी प्रभारी, थाना प्रभारी और बाकी वरिष्ठ अधिकारीगण मौके पे गए। मौके पे जाने के बाद पाया कि दो व्यक्ति जो वहां पे मृत पाए गए थे, वहां पे फील्ड यूनिट की टीम भी मौके पे आई थी। फील्ड यूनिट के द्वारा मौके का मुआयना किया गया और बारीकी से घटना का निरीक्षण करने के बाद में घटनास्थल पर जो भी चीज़ें थी, जो ऐसा लग रहा था घटना में प्रयुक्त हुई, उसको बरामद किया गया था। शव को नियमानुसार पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम होने के बाद जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसका भी अवलोकन कर लिया गया था। बाद में इनके जो परिजन थे उनके द्वारा जो तहरीर दी गई थी, उस तहरीर के आधार पर थाना सेन पश्चिम पारा पे एक मुकदमा 302/436 IPC का, जिसमें दो लोग इन्होंने नामजद किया था, जिसमें से एक व्यक्ति का नाम विनोद है, दूसरे का नाम कल्याण सिंह है। ये दोनों ही उसी गांव के रहने वाले हैं। जो विनोद है, जो मृतक है, उसमें से एक अनिल उसका चचेरा भाई है। जब ये दोनों लोगों को हिरासत में लिया गया, उसके बाद में एक और व्यक्ति जो विनोद के फादर हैं बदलू, उनको भी हिरासत में लिया गया। उनसे जब बृहद पूछताछ की गई, जो हमारे पास टेक्निकल चीज़ें थी, जो हमने CDR वगैरह निकाला था, बाकी गांव के अन्य लोगों से जो स्वतंत्र साक्षी थे उनसे भी बात की गई और उनसे पूछताछ करने के बाद में जो चीज़ें प्रकाश में आई, उसके बाद इन्होंने इस घटना को खारिज करना कबूल किया। क्या चीज़ें प्रकाश में आई? पहले तो पता चल रहा था कि एक्सीडेंट है, बताया गया इंसिडेंट चल रहे हैं। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं बताया गया कि एक्सीडेंटल हो गया है, आप ये नहीं बताएंगे कि जो शुरू से ही हमारा स्टैंड यही था कि घटना हुई है, अब ये आगजनी है या एक्सीडेंट है, किसी ने जानबूझ के आग लगाई है, एक्सीडेंट है, एक्सीडेंटल फायर है, ये दोनों बिंदुओं पे पुलिस के द्वारा इस पर अलग अलग जांच की जा रही थी। हमारी अलग अलग टीमें इस पर लगी हुई थी, क्योंकि जो भी फॉरेंसिक की चीज़ें थी अभी आई नहीं है और जो उसके बिना आए हुए कुछ भी कह पाना पहले मुश्किल था, क्योंकि दोनों टीमें हमारी इसमें लगी हुई थी, अलग अलग बिंदुओं पे काम कर रही थी। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन दोनों के द्वारा जो है विनोद हैं और इसके पिता बदलू हैं, इन दोनों के द्वारा बताया गया कि हम लोग जो है सुनील और अनिल और राज जो मृतक हैं इनसे काफ़ी परेशान हो गए थे। ये लोग हमें गाली गलौज करते थे, मारपीट करते थे, क्योंकि ये चचेरे तहरे भाई भी हैं, वहीं आपस में इनका घर है, मारपीट करते थे, हमारे मवेशियों को भी मारते थे। तो हम लोग इसको जो है मारने की प्लानिंग जो लगभग पिछले 1.5-2 महीने से कर रहे थे और उस दिन इनके घर पे जो है इलेक्ट्रिक का लिंटल डाला था, तो इन्होंने काफ़ी उसमें काम किया था, तो इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये थके होंगे, सो गए होंगे और इसी का फ़ायदा उठाकर ये लोग जो है वहाँ पे गए थे। ये जब इनसे जब पूछताछ हुई, पूछताछ के क्रम में इन्होंने बताया कि ये जो है पहले जो है इन्होंने अपने मोटरसाइकिल में जो है पेट्रोल भरा कर लाए थे, पेट्रोल को कैन में रखकर वहाँ पे ले गए थे। जब ये दोनों ये मुतमईन हो गए कि ये दोनों लोग वहाँ पे सो रहे हैं, उसके बाद इन्होंने उनके ऊपर जो है पेट्रोल डाल दिया, लगभग 10 लीटर का पेट्रोल, वहाँ पे गैस सिलेंडर भी एक जो है लगभग उस पर 7 लीटर गैस था, वो गैस सिलेंडर है तो बड़ा वाला, दो छोटे सिलेंडर, उसके रेगुलेटर को इन्होंने खोल दिया था और पाइप को उन्हें जो पाइप का जो अगला हिस्सा होता है उसको उन्होंने बंद कर दिया था ताकि आग लगे उसके बाद में पिघले और गैस का रिसाव हो, जिससे ये घटना जो है एक्सीडेंट के तौर पे कारित हो। इन्होंने वहाँ पे प्लांट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक शराब की बोतल भी रखी थी, कुछ कंडोम्स के पैकेट भी रखे थे, माचिस भी रखी थी और सिगरेट की डब्बी भी रखी थी। ये सब चीज़ें वहाँ पे इन्होंने प्लांट किया था और घटनास्थल से सभी चीज़ों को बरामद कर लिया गया है और ये सामान कहाँ कहाँ से लाए थे इसको भी हम लोगों ने तहरी कर लिया है। सारी चीज़ें हमारे पास में है, जो फिंगरप्रिंट है वो भी फॉरेंसिक यूनिट के द्वारा जो है बरामद कर लिया गया है। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के बारे में जब इनसे बात किया गया तो इन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी में इसका जितना शेयर बनता था उसका शेयर हम लोगों ने पहले ही इनको दे दिया था। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की बात ये बता रहे हैं।